हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। आज का वीडियो स्पेशली है पंजाबी स्टेप्स के ऊपर, जो लोग भांगड़ा सीखना चाहते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारे पहले स्टेप्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला स्टेप। हमारे पंजाबी डांस में हमारे शोल्डर्स का बहुत यूज होता है। जैसे शोल्डर्स को ढीला रख के ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो ये स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा स्टेप, ठीक है? 1 2 3 4। जैसे ही आप ये स्टेप कर रहे हैं, आपके दोनों हाथ ऊपर होंगे और आपकी बॉडी स्ट्रेट होगी। तो इसका बेसिक स्टेप पोजीशन क्या है, ऐसे। अब इसको करना कैसे है, अब आपने अपने दोनों नीज को बेंड करना है। 1 2 1 2 1 2। जैसे ही आप बेंड होते हैं, अपने हाथों को जो आपने ऊपर स्ट्रेच किए हुए हैं उनको नीचे की तरफ खींचना है। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसको कंटिन्यू करें। 1 2 3 4 1 2 3 4। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। में क्या करना है, आपको अपने हैंड्स को मुट्ठी बंद करके ऐसे रख लेना है एंड मूव योर शोल्डर्स। शोल्डर्स मैंने आपको पहले भी बताया कैसे करने हैं, अप एंड डाउन लाइक दिस, और ऐसे विंग्स की तरह उड़ना है जैसे हम उड़ते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। इस स्टेप के साथ पांव का यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। अपना राइट पांव को आपने क्या करना है, आगे रखना है, 1 हिट करना है एंड 2 पीछे तिरछा। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट स्टेप। अब इस स्टेप की आपको मैं टेक्निक समझाता हूँ। ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कोशिश करूंगी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले इसकी टेक्निक क्या है, हाथ ऐसे अपनी एक लेग को, लेफ्ट लेग को फोल्ड कर ले और एक टांग पे जंप ले। 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी इसके साथ जैसे हमने इसको जंप कर रहे हैं एक टांग पे, अब दूसरी जो लेग हमने अप की हुई है इसको किक करना है, ठीक है? जैसे हमारा आगे कोई फुटबॉल होता है, फुटबॉल को इमेजिन करके अपने किक करना लाइक दिस। 1 2 3 4 विद द जंप हैंड ऐसे 1 2 3 4। राइट पांव पे जंप और लेफ्ट पांव से किक। 1 2 3 4 1 2 3 4। नाउ विद द सेकंड लेग, अब हमने लेफ्ट लेग को नीचे किया और राइट लेग को अप किया। अब लेफ्ट लेग से हमने जंप करना है और राइट लेग से किक करना है। 1 2 3 4 सेम। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैं बताता हूं इसको हमने हैंड्स के साथ कैसे करना है। तो हैंड कहना है राइट लेग हमारा डाउन और लेफ्ट लेग अप है, तो जो हमारा लेग जिसपे हम खड़े हैं वो वाला हाथ ऊपर, यानी राइट हैंड अप और लेफ्ट हैंड डाउन। अब इसको हैंड्स के साथ कैसे करना है, 1 जैसे हमने किक किया तो हमने ये हाथ थ्रो किया हाथ ऐसे 1 2 3 4। अब नेक्स्ट हैंड पाँव चेंज किया, शिफ्ट किया हमने पाँव लेफ्ट, तो हमारा लेफ्ट हैंड अप और राइट हैंड डाउन, देन 1 2 3 4। इस स्टेप में मेन चीज क्या है कि जो स्टेप जो लेग हमारी डाउन है वो हाथ हमारा नीचे रहेगा,
ठीक है, यानी कि जो हमने लंगड़ी डंडा जिसपे हम खड़े हैं वो हमारा हाथ नीचे रहेगा, इसको हमने किक करना है, जो किक करना है वो हाथ नीचे थ्रो करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम दोनों हैंड्स को भी एक साथ यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये स्टार्ट करते हैं आज का अगला स्टेप। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस स्टेप की टेक्निक। सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को कैसे करना है, राइट हैंड को अप करना है और लेफ्ट हैंड को बाहर की तरफ ऐसे ऐसे रखना है। देखिए अब इसके साथ आपको कैसे करना है, कम अपने पास खींचना है, 1 2 1 2 1 2। पहले हाथ दोनों ऊपर पोजीशन और उसके वापस अपनी तरफ बॉडी की तरफ खींचना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। चेंज, अब हैंड्स चेंज दूसरी तरफ, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब लेग्स के साथ कैसे करना है, लेग्स कैसे करनी इसमें, जैसे हम एक पांव पे हम जैसे लंगड़ी टांग खेल रहे थे पहले, आपको पहले स्टेप में मैंने आपको सिखाया ये किक करना। अब इसमें करना आपको पोजीशन लेनी है, आपको अपना लेफ्ट पांव हवा में रखना है पहले स्टार्ट, ठीक है, एक पांव पे बैलेंस रखना है और सेम ऐसे जंप करना है। और जैसे आपको वन करना है तो आपको ये जो लेग है आपका लेफ्ट पांव जो आपका पंजा है एड़ी है, एड़ी इधर मारनी है, दिस इज 1 2 1 2 1 2। जैसे आप इस स्टेप को यहाँ पे मारोगे आपके दोनों नीज थोड़े से बेंड हो जाएंगे पोजीशन, और आपके हाथ की पोजीशन कैसे होगी, पोजीशन आपकी हाथ में ऐसे है, दोनों हाथ ऊपर एक पांव हवा में, 1 पास, ओके, एंड फिर से स्ट्रेच, 2 फिर से स्ट्रेच, 3 फिर से स्ट्रेच। मगर ये जो आपका पांव है जिसपे आप खड़े हो उस पर आपको हल्का हल्का जंप लेना है लाइक दिस, 1 2 3 4। फिर से देखिए थोड़ा सा पावर के साथ, ऐसे 1 2 3 4। जैसे हम खींचते हैं किसी को, 1 2 3 4, और वैसे ही दूसरी साइड। अब आपका हाथ दूसरा शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड अप हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, और आपका जो लेग है दूसरा शिफ्ट हो जाएगा, जो आपका राइट लेग है वो हवा में हो जाएगा, और ऐसे पोजिशन 1 2 3 4, रिपीट 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसको थोड़ा सा एनर्जी के साथ थोड़ा सा फास्ट, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये भांगड़ा के पांचों स्टेप में आपको एक म्यूजिक पे करके दिखाता हूँ। आप ये स्टेप किसी भी शादी या फंक्शन में कर सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक स्टेप्स हैं। आप कोई भी पंजाबी म्यूजिक ढोल वगैरह पे आप ये स्टेप इजीली कर सकते हैं। जानी है, जान कट जानी है।